में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार क्राइम कंट्रोल करने में अनेकों फरमान जारी किए, लेकिन वहीं उनकी पुलिस बेखौफ बदमाशों को शह देने पर लगी रही। दरअसल देवरिया जनपद में कुछ बदमाशों ने पुलिस से निडर होकर कानून व्यवस्था से ऊपर उठकर धारदार हथियार से ई रिक्शा चालक को बहरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बेखौफ बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी। कॉलोनी एरिया में पार्क के पास करीब 5 बजे की घटना है, 5:04-5 के आसपास करीब 5-6 लड़के हैं जिससे मृतक की लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है। अभी मृतक की पहचान तो नहीं हो पाई है, बाकी हम लोग सीसीटीवी फुटेज इत्यादि से जांच की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।